मैं हूँ प्रज्ञा, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। जून की तिमाही में जियो ने एयरटेल वोडाफोन को छोड़ा पीछे। टेलीकॉम कंपनी जियो ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को पछाड़ते हुए अप्रैल जून तिमाही में टेली सर्विसेज से सबसे ज्यादा कमाई की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। रियलमी एक्सट्री से कंपनी ने उठाया पर्दा। रियलमी एक्सट्री स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट होगा। रियलमी एक्सट्री स्मार्टफोन की कीमत क्या होगी फिलहाल कंपनी ने इसकी जानकारी नहीं दी है। वीवो का ये 5G फोन सितंबर में हो सकता है लॉन्च। कंपनी ने हाल ही में यह कंफर्म किया था कि स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाएगा और अब ट्विटर पर एक टीजर पोस्ट करके कंपनी ने कंफर्म कर दिया है यह स्मार्टफोन 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। हेथवे ब्रॉडबैंड का बड़ा धमाल। भारत में ब्रॉडबैंड की सर्विस देने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक हेथवे ने एक बार फिर से अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऑफर पेश किया है। हेथवे ने ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा करने के लिए 399 रुपए का बेहद ही सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान पेश किया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।